एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में जैसे कि पहले ही कयास लगाए जा रहे थे, मायावती की पार्टी बीएसपी किंग मेकर के रोल में दिख सकती है, लेकिन बीजेपी की तीनों राज्यों में बड़ी मार्जिन से जीत के बाद इन कयासों पर पानी फिर गया है। साथ ही बीएसपी को भी ज्यादा सीटें नहीं, महज 2 ही सीटें राजस्थान में मिली हैं। बारी और सादुलपुर पर ही मायावती की पार्टी राजस्थान में जीत दर्ज कर सकी है। बात करें सादुलपुर की तो यहां बीएसपी के प्रत्याशी मनोज कुमार की लगभग 4000 वोटों से जीत हुई है, तो दूसरे नंबर पर कृष्णा पूनिया रही। और तीसरे नंबर की बात करें तो बीजेपी की सुमित्रा पूनिया कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी से पिछड़ गई है। बीजेपी को इस सीट पर करारी हार का सामना करना पड़ा है। बीएसपी के प्रत्याशी मनोज कुमार ने चुनाव से पहले पूरी विधानसभा में बड़े जोर शोर से चुनाव प्रचार किया था, उनकी जीत का कारण भी यही माना जा रहा है। साथ के साथ बताते चलें कि एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस के बड़े बड़े चेहरों ने भी इन चुनावों में प्रचार के दौरान तीनों राज्यों के कोनों में जाकर जनता से वोट मांगे थे, लेकिन जनता ने बीजेपी के वादों पर भरोसा जताते हुए बीजेपी के उम्मीदवारों को चुनकर विधानसभा में पहुंचाने का काम कर दिया है। एक ओर कांग्रेस के खेमे में चेहरों पर निराशा है, तो बीजेपी के नामी चेहरों पर खुशी साफ देखी जा सकती है। इसी बीच राजस्थान में 199 में से 2 सीट जीतकर बीएसपी प्रत्याशी भी खुशी से फूले नहीं समा रहे। ऐसे में अब चाहे जो हो, कांग्रेस को गहनता से सोचना होगा कैसे वो इस तरह की हार से उबर पाएगी। वहीं बीजेपी की उम्मीदें 2024 के चुनाव के लिए मजबूत हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।